बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे नेट फोर्स जितनी भी अप्लाई हो रही है उनका सम जीरो के इक्वल हो, यानी कि कोई भी नेट फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। नोट, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं उनकी रिजल्टेंट फोर्स जो उन पर अप्लाई हो रही होती है वो जीरो है। सो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है वो रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग की मदद से बांध के दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस के साथ खींचा जा रहा है। तो इस दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? हमारे पास दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की। किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी जब उस पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही है उनका सम जीरो हो, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल हो। Mathematically, let n number of forces F1, F2, F3, up to Fn are acting on a body. कि किसी भी body पर F1 से लेकर Fn मतलब number of forces apply हो रही हैं। तो F1 plus F2 plus F3 up to Fn equal to zero. यानी कि उन तमाम forces को अगर हम add करें तो वो zero के equal होना चाहिए। यही resultant force की definition है कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो के इक्वल हो। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। अगर इस फोर्स को हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो कैसे आएंगी? F1x plus F2x plus F3x up to Fnx equal to zero। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा और इसी तरह F1y plus F2y plus F3y up to Fny equal to zero, तो ये इक्वल आ जाती है सिग्मा Fy equal to zero के। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। ए बुक लाइंग ऑन टेबल इज एट रेस्ट एंड थस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कि एक बुक टेबल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो है। इसी तरह ए पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल इज एट रेस्ट एंड थस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि एक पिक्चर जो वॉल के साथ हैंग की गई है वो भी रेस्ट पे है और वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह एक पैराट्रूपर जो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है उस पे भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जानने से पहले ये देखते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी। कंसीडर ए बॉडी पुल्ड बाय द फोर्स F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर। कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर दो फोर्सेज F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की गई हैं। The two forces are equal but opposite to each other. दोनों forces equal हैं और direction इनकी opposite है। Both are acting along the same line, hence their resultant will be zero. दोनों की direction opposite है और same line में है, इस वजह से इनका जो resultant है वो zero के equal होगा। According to first condition of equilibrium, the body will be in equilibrium. यानी कि अगर इस पर first condition देखी जाए तो resultant दोनों forces का zero आ रहा है, इस वजह से जो body equilibrium में होगी। अब हम क्या करते हैं कि शिफ्ट द लोकेशन ऑफ फोर्सेस एज शोन इन फिगर। इसी बॉक्स पे जो फोर्सेस की डायरेक्शन थी, जो पोजीशन थी, वो शिफ्ट कर दी। यानी कि जहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही थी F2 उसको ऊपर ले गया और जो F1 अप्लाई हो रही थी उसको डाउनवर्ड हम ले आए।
The body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied. यहाँ पे first condition of equilibrium satisfy हो रही है, कैसे? कि वही दो forces हैं, magnitude same है, लेकिन direction opposite है. लेकिन second condition of equilibrium यहाँ पे satisfy नहीं होती. Equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied, it is because the body has tendency to rotate. जब इस तरह इस कंडीशन में फोर्सेस जब से इस पे अप्लाई होंगी तो ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, इस पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करने लग जाएगी. दिस सिचुएशन डिमांड्स एन अदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हमें एक और इक्विलिब्रियम की कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ साथ. दिस इज कॉल्ड द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. उस कंडीशन को हमने सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम दिया. सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी इज सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. कि एक बॉडी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस वक्त सेटिस्फाई करेगी जब उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट टॉर्क जीरो के इक्वल आए. ये एक सीसा डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों तरफ वेट इक्वल है, टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों तरफ इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, जिस वजह से ये क्या है, रेस्ट में है और ये बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है. अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये समेशन टॉ इक्वल टू जीरो आता है. स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं. कंडीशंस हमारे पास दो थी इक्विलिब्रियम की, स्टेट्स इक्विलिब्रियम की तीन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं. ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त जब उसको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाया जाए और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए. उसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉल है जैसे कि डायग्राम में दिखाई गई है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन से, तो वो बॉल कुछ देर के बाद वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है. इस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. अब डायग्राम में देखें तो जो बॉल है उस पर फोर्स अप्लाई की गई और कुछ देर के बाद वो बॉल वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है. इस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. उसके व्हेन ए बॉडी, यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन. जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लोएस्ट पोजीशन पे होगा. उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइटेस्ट टिल्ट इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी वापस अपनी पहली पोजीशन में ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. एग्जाम्पल देखें तो डायग्राम में उसी तरह एक बॉल दिखाई गई है, जब हम इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉल वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती. इस स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है? व्हेन ए बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. इसके बाद हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को देखते हैं. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. कि बॉडी को जब उस पर फोर्स लगाई जाए और वो क्या करे, एक नई पोजीशन में चली जाए, जब उसको पुरानी पोजीशन से चेंज किया जाए, मतलब एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस पर हम फोर्स लगाएं और वो क्या करे, एक नई पोजीशन में चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. एग्जाम्पल में कंसिडर ए बॉल, प्लेस इट ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस एज शोन इन फिगर. एक बॉल है और उसको हमने हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा. रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन. इस बॉल को हमने क्या किया, रोल ओवर किया और वो क्या करेगी, बॉल
एक न्यू पोजीशन में चली जाएगी, वापस पहली पोजीशन में नहीं आती. इट रिमेन्स इन द न्यू पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेम पोजीशन पे रहती है, वो चेंज नहीं होती. व्हेन ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट. तो ये हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम की स्टेट्स थी. इसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यानी कि स्टेबिलिटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आपस में क्या रिलेशन है. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी. टू मेक देम स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल. के पोजीशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल होने में. ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल करने के लिए उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा लो पोजीशन पे रखा जाता है. एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज केप्ट टू बी मिनिमम टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी. पहला काम क्या किया जाता है कि उनको हैवी बनाया जाता है बॉटम से ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहे. आप ये कार देखें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है और ये कार इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है. और इसी तरह इनकी हाइट भी लो रखी जाती है ताकि उस वजह से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहे, लो रहे. या सेंटर ऑफ, तो जहाँ पे अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास लो रहे, हाई सेंटर ऑफ मास इस कार का है तो उस वजह से जब कार टर्न करने लगेगी तो वो टॉपल कर सकती है. जबकि ये रेसिंग कार ये इस उसी एंगल पे जब टर्न करने लगती है तो ये टॉपल नहीं करेगी क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास लो है. दूसरी एग्जांपल, सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज लॉन्ग पोल्स टू लोअर देयर सेंटर ऑफ मास. इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर. सर्कस में जो रोप वॉकर्स होते हैं, जो रस्सी के ऊपर चलते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं, अपने हाथ में एक लॉन्ग पोल उठा के चलते हैं. उसकी रीजन क्या है कि लॉन्ग पोल उठाने की वजह से उनका सेंटर ऑफ मास लो हो जाता है. सेंटर ऑफ मास लो होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और वो इजीली रोप के ऊपर वॉक कर सकते हैं. थर्ड एग्जांपल, जहाँ पे एक टॉय दिखाया गया है, ए टॉय दैट कीप्स इटसेल्फ अपराइट व्हेन इट इज टिल्टेड, इट हैज ए हैवी सेमी स्फेरिकल बेस. व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस, इट रिटर्न्स टू इट्स अपराइट पोजिशन एट विच इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट द लोएस्ट. ये टॉय दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर रहे. जब इसको हम थोड़ा सा भी टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाता है, जिसकी वजह से ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दोबारा मेंटेन करने के लिए वापस अपनी पहली पोजीशन में आने की ट्राई करता है. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसको जिस भी डायरेक्शन में मूव करवाया जाए ये वापस पहली पोजीशन में आ जाता है. तो यहाँ तक चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है. मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए. थैंक यू.